हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपने इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो क्वेश्चन था हमारे पास, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार। एक कार की स्टोरेज बैटरी है, मतलब एक सेल है जिसका ईएमएफ, सेल का हमेशा क्या गिवन होगा आपको, ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ द सेल डिनोटेड बाय ई, जो आपको गिवन है सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। ई की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉल आर हमारे पास गिवन है 0.4 ओम का। ठीक है, स्मॉल आर कितना है आपके पास, 0.4 ओम का। फिर बोला व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या होगा दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना कैरी आउट होगा, तो मैक्सिमम करंट निकालना है मतलब हमें आई निकालना है ना, मैक्सिमम करंट मतलब आई। अब हमने क्वेश्चन देखा, हमने बोला कि हमारे को तो ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ क्या कहता था, वी इक्वल्स टू आई आर, नॉर्मल जब सर्किट क्लोज होगा, पर जब सर्किट क्लोज नहीं है ओपन है तो इक्वल्स टू वी किसमें चेंज हो जाता है, हमारा ईएमएफ के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया आई इक्वल्स टू ई बाय में आर। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, 12 वोल्ट। आर कितना है, 0.4 ओम है ना। अब क्या किया हमने, ये पॉइंट उठ गया, ये यहाँ आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 30। तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 30 एम्पियर। मैक्सिमम करंट इसके अंदर कितना बैटरी के अंदर हो सकता है, 30 एम्पियर का। इजी था, नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारे पास, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। फिर से हमने एक बैटरी ली और बैटरी की ईएमएफ हमारे पास कितनी है, 10 वोल्ट की है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन के नंबर्स पे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी अप हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर इज 3 ओम। ठीक है, फिर बोला इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इस पूरे सर्किट को, किसको, एक बैटरी को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से हमने ज्वाइन कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर से ज्वाइन कर दिया। इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर है ना। फिर क्या बोला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर क्या होगा, मतलब कैपिटल आर क्या होगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल आर। सबसे पहले बोला हमारे पास एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, करंट 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द कैप, इंटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या व्हाट इज द रेजिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट को फोकस करेंगे पहले। तो हमने क्या देखा, हमारा जो फॉर्मूला सीखा हमने वो भी सीखा था आई इक्वल्स टू ई बाय आर। अब आर कितना है हमारे पास, 2 आर है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है ना, हो गया फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आया तो आई का क्या है, 0.5 एम्पियर। ईएमएफ कितनी है, 10। आर प्लस आर, स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं पता, पर स्मॉल आर तो मुझे पता है, स्मॉल आर इज 3 ओम है ना। निकालना क्या है, कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 आर प्लस में 1.5 10, 0.5 आर 10 माइनस 1.5, 0.5 आर 8.5, point कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 17 ओम है ना। इजी था ना, कैपिटल आर हमें निकालना था। फिर बोला उसने अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। टर्मिनल वोल्टेज बोले तो कैपिटल वी, इस कैपिटल वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर है ना।
करंट कितना अब हमारे पास 0.5 एम्पीयर का। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया 17, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8.5 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है वोल्ट। तो क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि एक बैटरी है उसकी ईएमएफ इतनी, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, करंट इतना फ्लो कर रहा है, सबसे पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालो। तो फॉर्मूला लगाया ओम्स लॉ की हेल्प से, आर निकाल दिया। फिर उसने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर। टर्मिनल में हमेशा कैपिटल आर यूज करते हैं, तो कैपिटल आर जब यूज किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। डन है इतना, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अब हमारे पास, 3 रजिस्टर, हमारे पास 3 क्वेश्चन है और 3 रजिस्टर है। 3 रजिस्टर है हमारे पास, फर्स्ट वन आर वन दैट इज 1 ओम, सेकंड वन इज आर टू दैट इज 2 ओम, थर्ड वन इज आर थ्री दैट इज 3 ओम, है ना। दीज आर कंबाइंड इन सीरीज, ये सब किस में कंबाइन है, सीरीज में कंबाइन है। तो सीरीज का रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जब भी सीरीज बोले मतलब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है, सीरीज में हमेशा सेम रहता है करंट। तो आर की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन निकालना है आर वन आर टू आर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये आपके पास कितना आ गया 6 ओम, ठीक है ना। अगला नाम क्या आया हमारे पास, सेकंड नेम। सेकंड नेम ने देखो ध्यान से क्या बोला, इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, जो ये कॉम्बिनेशन बना है ये कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी ईएमएफ मुझे गिवन है, एक बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट मुझे गिवन है, ठीक है। अभी हमने ये करंट फ्लो कर गया इसमें से, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है पर वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, तो उसको छोड़ देते हैं। ऑब्टेन द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के पास पोटेंशियल कितना पहुंचेगा, मान लिया V1, V2, V3, है ना, यही होता है ना। रजिस्टर इन सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है बट V1, V2, V3 अलग अलग हो जाएगा, तो यही V1, V2, V3 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कहा, हमारा फॉर्मूला होता है V = IR, यही फॉर्मूला आता है V = IR। V की वैल्यू 12 वोल्ट, करंट मुझे नहीं पता टोटल करंट कितना फ्लो किया, I लेके चल रहा है तो I लेते हैं। टोटल R मैंने अभी फाइंड आउट कर दिया था कितना आ गया था 6 ओम, तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई 12/6 मतलब 2 एम्पियर I आ गया। अब पता है मुझे इसके लिए V1 निकालना है, V1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, V1 = IR1, I कितना 2, R1 कितना हमारे पास 1, तो आंसर आ गया 2 वोल्ट। V2 = IR2, I कितना है हमारे पास 2, R कितना है 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 वोल्ट। ऐसे ही थर्ड हमारा V3 = IR3, I कितना है मेरे पास 2, R3 कितना है 3, आंसर आ गया 6 वोल्ट। हर के अलग अलग आपने क्या निकालने थे, V की वैल्यू। क्वेश्चन इजी तभी होगा जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, लाइक अगर हमें यही नहीं पता कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू ही ना निकाल सकते और कोई भी आंसर नहीं पुट कर सकते। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और फिर मैथमेटिकल पोर्शन आपका अपने आप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम। इस बार भी हमारे पास 3 रजिस्टर है R1 2 ओम, R2 4 ओम एंड R3 इज 5 ओम। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब किसमें कनेक्ट कर दिया है, कंबाइन कर दिया है पैरेलल के अंदर, ठीक है। इस बार कंबाइन कॉम्बिनेशन हुआ है पर हुआ किसमें है, पैरेलल के अंदर। 2 ओम 4 ओम 5 ओम, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो।
तो हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर 1 प्लस में 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3। पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है, 1 रेसिप्रोकल अंदाना, तो 1 बाय आर 1 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये 20 एलसीएम आ गया, 2 10 4 5 5 4, तो ये कितना आ गया, 19 बाय 20। बट मुझे तो क्या चाहिए, आर चाहिए, तो ये क्या आया है, 1 बाय आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 बाय 19। आर आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसी में सेकेंड पार्ट पे था, इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, अब पूरे कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, करंट फ्लो करेगा, अब कौन चेंज होगा इसमें, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वेरी गुड, पैरेलल में करंट डिफरेंट, तो सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हर जगह 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट का हमारे पास क्या लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। अब बोला उसने इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच, सबके अंदर करंट बताओ कितना होगा और फिर टोटल करंट बताओ, दो पार्ट दे दिए दूसरे वाले ने, तो चलो ए पार्ट में पहले करंट हर एक के लिए निकालते हैं, पहले निकालते आर वन के लिए करंट, करंट फॉर आर वन, आर वन के लिए करंट निकालो, करंट का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला आई आर, आई का फॉर्मूला वी बाय आर, यही फॉर्मूला आता है, वी वी कितना है 20 वोल्ट, आर कितना है 2 ओम, कैंसिल होके क्या आ गया 10 एम्पियर, इजी था। अगला करंट निकालो आर टू के अलोंग, करंट आर टू कितना है हमारे पास 20, आर टू के लिए कितना हो जाएगा 4, कैंसिल होके क्या आ गया 5 एम्पियर, इजी टास्क। आर थ्री फिर से निकाला हमने, कितना है 20 बाय 5, फिर से आ गया 4 एम्पियर, इजी था ना, बिल्कुल ही करंट निकालना था, सबका अलग 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 हमने निकाल दिया। अब उसने बोला टोटल भी निकालो, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए हमने पूरे के लिए हमारी, पूरे का क्या है हमारे पास, ये हमारा हो गया पूरे के लिए, पूरे के लिए वी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 20 ओम ही है ना, क्योंकि भाई 20 वोल्ट दे रखी है पूरे के लिए। आर की वैल्यू पूरी कितनी है, 20 बाय 19 ओम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो आई निकालना है टोटल, तो वी इक्वल्स टू आई आर, आई वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई का फॉर्मूला वी बाय आर, वी कितना है 20, आर कितना है 20 इंटू 19, कैंसिल कैंसिल, 19 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है। टोटल करंट निकालना था और हर एक ब्रांच में निकालना था, तो हर एक ब्रांच में भी निकाल दिया हमने और टोटल करंट भी फाइंड आउट कर दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मेन कंसेप्ट याद रखना क्या था, कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था और सीरीज में करंट सेम रहता था। नोट डाउन करें इसे, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, एट रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, तब हमारा हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। आर 27 डिग्री सेल्सियस हमें क्या दे रखा है, 100 ओम का दे रखा है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, अब रेजिस्टेंस तो हमारे पास कितना हो गया 117 ओम हो गया, पर किस टेम्परेचर पे होगा वो हमें नहीं पता है। फिर बोला उसने गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इन वाट्स, क्या दे रखी है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इन वाट्स, ठीक है। करना क्या है अब हमारे, हमें तो टी निकालना है, तो अल्फा आ गया, तो अल्फा का फॉर्मूला पुट कर देंगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, RT - R0 / R0 T - जो भी हमारे पास T - T' लिख दो, है ना। तो अल्फा, अल्फा मुझे पता है भाई इस बार, तो
अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 × 10⁻⁴। आरटीवी मुझे पता है 170, माइनस में आर नोट भी मुझे पता है, आर नोट का मतलब होता है ओरिजिनली जो स्टार्टिंग किया था, आर नोट फिर से कितना है यहाँ पे 100। यहाँ क्या है टी मुझे नहीं पता, ये टेम्परेचर मुझे नहीं पता, माइनस में टी डैश मतलब कितने पे हमने किया था स्टार्टिंग, ओरिजिनल ले लो टी नोट जिसे आपको याद है, चेंज इन टेम्परेचर लेते हैं, तो ये आंसर आ गया। हमें तो टी निकालना है ना, तो टी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग हमारे जो भी अल्फा है उसको नीचे ले आएंगे और टी की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया t-27। ठीक है, यहाँ पे क्या है 117-100 सिर्फ 17 बच गया, सॉरी हाँ जी, तो ये क्या हो गया हमारे पास 100 1.70 × 10⁻⁴। वाह कुछ कटने लायक हो गया, कैंसिल पॉइंट अपॉन में आ गया 100, ये से कैंसिल 17 से कैंसिल 1, ये से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 1/10⁻³। ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 10³। यहाँ पे क्या है हमारे पास t-27, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है t की, तो क्या हो जाएगा 1000-27 उधर जाके क्या हो जाएगा +27, तो कितना आ गया 1027 °C। टेम्परेचर था तो टेम्परेचर क्या होते हैं हमेशा सेल्सियस के अंदर। तो ये थे हमारे पास एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही आगे वाले न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें जिससे आपके पास उसी टाइम नोटिस आ जाए जैसे ही वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, थैंक यू।